बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई विपक्ष दलों की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो ये था कि किन मसलों को लेकर विपक्ष के नेता जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे होते हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिसको तमाम विपक्षी एकजुट होकर उसको एड्रेस करेंगे जिससे जनता में एक मैसेज जाए और मोदी के जो विजय रथ को है उसे रोक पाया जाए। हालांकि इस बैठक में कुछ ऐसे भी मुद्दे उठाए गए कुछ विपक्षी नेताओं की तरफ से जो इस बैठक के एजेंडे में नहीं थे, किसी मुद्दों को लेकर मुखालफत भी हुई, दूसरे दल के जो नेता थे उन्होंने उसका विरोध भी किया है कि इन मुद्दों को इस मंच पर अभी रखना सही नहीं है, अभी बेसिक जो होमवर्क करना है कि किस तरह से विपक्ष एकजुट हो और मोदी के विजय रथ को रोक पाए। वो कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष के कुछ नेताओं ने उठाया है और उसे उस पर सहमति नहीं बनी है, इसकी जानकारी हमारे सहयोगी अजय लाल दे रहे हैं। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, एनडीए को हराना है, तो एक ऐसा मंच तैयार करना होगा विपक्ष के लोगों को जो कि भाजपा को कमज़ोर कर सके। इसी के मद्देनज़र आज बैठक हुई। ये बैठक 11 बजे के आसपास शुरू हुई जो कि शाम में लगभग 2:30-3 बजे तक चली थी बैठक। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा के बड़े नेता अखिलेश प्रसाद यादव सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित कई अन्य लोग यहां पर शामिल हुए। शरद पवार भी महाराष्ट्र से चलकर आए थे और इस बैठक में लालू प्रसाद को भी काफ़ी नज़दीक से देखा गया। कोशिश ये हुई है पूरी बैठक के दौरान कि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे कि 2024 चुनाव हो, इससे पहले 3-3 बार इस बैठक की तारीख तय होती लेकिन किसी न किसी वजह से तीनों तारीखें टलती चली गई और आखिरकार आज 23 जून 2023 एक बड़ी तारीख कहा जाएगा 2024 के चुनाव की जब कभी चर्चा होगी उस वक्त यह कहा जाएगा कि एक बड़ी बैठक हुई थी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के आवास पर। तो ये तारीख ऐतिहासिक हो गया है। कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जब विपक्ष एकजुटता की तरफ बढ़ रहा है तो बात तो निकल चुकी है और बात दूर तलक भी गई है। विपक्ष की एकजुटता वाली बैठक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बयान दिया। अमित शाह ने कहा है कि ये महज एक फोटो सेशन था, जो विपक्षी तमाम दल जो जुटे हैं एक फोटो सेशन था और इनके जुटने से मोदी के विजय रथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने इस बात को फिर दोहराया, इस बात की एक तरह से कहा जाए कि वकालत की है कि 300 के पार का लक्ष्य लेकर बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ रही है और इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेगी। का काम किया गया है, ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। तो विपक्षी एकजुटता की खबर से आपको हमने रूबरू कराया, हमने तमाम नेताओं के बयान भी आपको सुनाए हैं, इस बैठक में कौन शामिल रहा, किसने इस बैठक से दूरी बनाई है, तमाम चीजें आपको हमने दिखाई है। अब इंतजार करना पड़ेगा कि विपक्षी एकता की जो पहली बैठक हुई है इस बैठक में आगे क्या कुछ होता है, क्या और बैठकों का दौर चलता है, क्या जो मसले इस बैठक में एड्रेस नहीं हो पाए हैं उन मसलों को, उन मुद्दों को आगे की बैठकों में लाया जाता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और न्यूज 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए। लाइक,
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।